हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ईद आपके लिए लेकर आई हूँ ईद की ख़ास डिश चाप फ्राई, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही इजीली बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने ली है 1.5 किलो चाप हैं ये। अब इनको हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। इसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने 2 प्याज काट ली थी मोटी मोटी वो डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ मैं नमक। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी क्योंकि चाप अभी अपना पानी छोड़ेगी। इसको हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें इसको मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैं एक इसमें सीटी लगाकर इसको 10 मिनट में हल्की फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए, ये मैंने 10 मिनट हल्की गैस पर पका के प्रेशर में ही पकाया था। इसको खोल लिया है, देखिए कितना पानी छोड़ा है गोश्त ने, और जबकि मैंने बहुत थोड़ा पानी डाला था। अब हम इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। और देखिए, हमारी ये चापें भी अच्छी तरह से गल गई हैं, ये देखिए अच्छे से गल गई हैं, हमें इतनी गली हुई चाहिए। अब मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी। तो देखिए, ये हमारा पानी खुश्क हो गया है चापों का। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और निकाल लेंगे। अब ये मैंने लिया है 1 बाउल से थोड़ा कम दही, तीन चम्मच भर के मैंने बड़े चम्मच लिए हैं बेसन, और ये मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, ये मैं ले रही हूँ 6 टेबल स्पून। एक चम्मच ले रही हूँ मैं पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको हम क्रश करके डाल देंगे। ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ फूड कलर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। 1 नींबू निचोड़ देंगे हम इसमें, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है। अब हम इस सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और हमें इसको पतला रखना है इसलिए हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा पानी। इसमें हम थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि हम चाकू पे इसको अच्छे से लगा सकें, कोट कर सकें। इसको हमने देखिए अच्छे से ऐसे पेस्ट बना लिया है। अब हम चापों पर कोट करेंगे। इसी में हम साइड में खड़ा करते रहेंगे।
तो ये देखिए अच्छे से हमने ये सब कोट कर ली हैं चापे। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 15-20 मिनट के लिए। अब इसको हमने कोट कर लिया है सब चापों को, अब मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी आधे पौन घंटे। आप चाहें तो इसको हैंड टू हैंड भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसको हमें मैरिनेट करे हुए 1 घंटा हो गया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने ये ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसको हल्की फ्लेम करके इसको फ्राई कर लूँगी। इसको हम पलट लेंगे। हमें इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस गोल्डन होने तक करना है, क्योंकि हमारी चापे गली हुई हैं, हमने इसको बॉईल करा हुआ है, इसको हमें गलाना तो है नहीं, बस अच्छे से गोल्डन करना है। अब हम इनको निकाल लेंगे, ये गोल्डन हो गई हैं। तो जी देखिए हमारी ये मज़ेदार सी मटन चाप फ्राई होके रेडी हो गई है। देखने में कितनी टेस्टी लग रही है, और यकीन मानिए जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है उतने खाने में भी बहुत मज़े की होती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।